अस्सलाम वालेकुम, खबर की दुनिया से मैं हूं रहमान अजहर और वक्त हो गया है हेडलाइंस का। एमकेएम राबता कमेटी का कहना है कि बरतानवी नशरियाती इदारे की डॉक्यूमेंट्री बददियानती पर मबनी है, कानूनी चारजुई करेंगे। मुतहदा और अल्ताफ सैन का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। इमरान फारूक कत्ल केस में गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। अल्ताफ सैन की जान को शदीद खतरात लाहक है, एमकेएम का ऐलामिया। मुतहदा के कायद कहते हैं अपने और पराए उनके गिर्द साजिशों का जाल बिछा चुके हैं, बैन अल-अक़वामी ताकतों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। इमरान फारूक कत्ल केस में बरतानवी हुकूमत का पाकिस्तान पर दबाव, दो मुल्जमान की हवालगी का मुतालबा, सीसीटीवी फुटेज भी फराहम कर दी। मोहनजोदड़ो के आसारे कदीमा बिलावल भुट्टो जरदारी की तवज्जो चाहते हैं। सिंध फेस्टिवल के लिए बनाए गए स्टेज से तारीखी वरसा खतरे में, सिंध हाई कोर्ट ने आसारे कदीमा की हिफाजत का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। नवाज शरीफ कहते हैं दहशतगर्दी को हर सूरत में खत्म करके दम लेंगे। इमरान खान का कहना है कि मुज़ाकरात मानी केस बनाने के लिए आइनी हदूद में रहकर गुफ्तगू की जाए, कौम को रुकावटों और पेशरफ से भी आगाह रखा जाए। पेट्रोल 3.04 रूपये और डीजल 5 रूपये फी लीटर सस्ता करने की तजवीज, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी हुकूमत को भिजवा दी गई। और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, लाहौर से पिंडी भटियां तक मोटरवे बंद कर दी गई।